हाँ तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो मित्र का फोन आया है कि आज जू में जाना है घूमने के लिए, तो चलो चलते हैं। वैसे मैंने चाय भी नहीं पी है, तो चलो पहले तो चाय नाश्ता करते हैं, फिर चलते हैं जू में। तो आप कहीं निकल रहे हो और आपको इतना टेस्टी नाश्ता मिल जाए सुबह सुबह, आहा डबल मज़ा आ जाता है घूमने का। तो चलो नाश्ता फटाफट करते हैं फिर निकलते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो हम आ चुके हैं, तो पार्क करेंगे पहले यहाँ से। फिर यहाँ पे कुछ शॉपिंग सेंटर्स है लेकिन मैं चेक करने नहीं गया। फिर यहाँ पे देख सकते हो स्कूल के बच्चे भी आए, इनको तो अलग मज़ा हो गया, ट्रिप मिल गई भाई। हमारे स्कूल टाइम यहाँ पे नहीं लाते थे। फिर गाड़ी लॉक की, फिर टिकट ले ही, और उसके बाद चलो जू में चलते। तो इस जू का नाम है जेड मैट जू एनिमल विलेज। तो अगर आपको आना है तो आप गूगल करके आ सकते हो। तो चलो अब मैं इन लोगों के साथ थोड़े गप्पे लड़ाता हूँ और एनिमल्स को एंजॉय करता हूँ, तब तक आप मेरा व्लॉग देखो। और हाँ, मैं मित्र के कजिन्स के साथ आया हूँ क्योंकि वो सिसल से आए थे, तो 2 दिन की हॉलीडे मिली उनको, तो केन्या आए क्योंकि उनका फ्लाइट थोड़ा लेट था। तो चलो उनके साथ घूमते फिर जाते कहीं, देखते आगे। तो गाइज आज हमने बहुत सारे एनिमल्स देखे, शरारती, वाइल्ड, क्यूट, बहुत सारे। फिर हम गए लंच करने, तो हम अलग टेबल पे थे, मैं और मेरा मित्र और वो और आंटी लोग अलग टेबल पे थे। फिर हमको पता चला कि हमारे एक दोस्त का बर्थडे, तो उसको फ़ोन किया, तो फिर उसको थोड़ा मिला, उसको बर्थडे विश किया, लेकिन उसने चॉकलेट भी नहीं दी। ये बात मुझे पसंद नहीं आई। बात करते करते हमारी शाम हो चुकी, फिर डिनर का टाइम हुआ, तो डिनर में ब्रेड पिज़्ज़ा खाए क्योंकि मम्मी की फ्रेंड ने भेजे थे। तो गाइस गुड मॉर्निंग, तो कैसे हो आप सब लोग? तो आज है संडे और हम हर संडे की तरह आज भी मंदिर जाएंगे। पहले इस मित्र की बहन को रेडी करेगी क्योंकि इसको शादी में जाना है। तो मेरी बहन ने अपना मेकअप निकाला और शुरू हो चुकी इसको लगाने में। तो चलो मैं तो चाय नाश्ता करने जा रहा हूँ, फिर बाल वगैरह सब कुछ सेट करने हैं मुझे भी। तो चलो पहले चाय नाश्ता करके बाद में आपको मिलता हूँ, तब तक आप ये टाइम लैब एंजॉय करो।
से आ चुके हैं और ये क्यूटी भी हमारे साथ आ चुका है। तो सारे सब लोग अभी चेंजिंग रूम गए हैं, फिर कुछ लंच की प्रिपरेशन करेंगे। आगे का प्लान अभी कुछ पता नहीं है, तो चलो विद दिस क्यूटी थोड़ा खेलते हैं। गाइस, आपके घर में कोई ऐसा है जो मंदिर के बाद नए कपड़े में या बिल्कुल फेवरेट वाले कपड़े में शीशे के सामने ऐसी हरकत करे? मेरे घर में है, कमेंट करके बताना अगर आपके घर में हो तो। तो गाइस, अभी हम निकल चुके हैं फार्म के लिए, क्योंकि आंटी का कॉल आया था कि फार्म पे आ जाओ, सब लोग साथ में बैठ के चिल करेंगे। तो हमने फटाफट लंच किया, फिर रेडी हुए और फिर निकल गए फार्म के लिए। तो आप रास्ते का व्यू एंजॉय करो, तब तक मैं पहुँचता हूँ फार्म। तो हम फाइनली आ चुके हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इन लोगों के दो फार्म है, ठीक है। एक में ये लोग चिल करते हैं, वो कुछ वहाँ पे गार्डन वगैरह है, और दूसरे फार्म में इन लोगों ने सब्जी वगैरह उगाई रखी है। तो सब्जी में है मकाई, बैंगन, करेले, शुगरकेन, बहुत कुछ है। और यहाँ पे कहीं से बर्ड की भी आवाज़ आ रही है, तो बर्ड को भी ढूंढना पड़ेगा। आंटी ने कहा है बर्ड को ज़रूर देख के जाना। और यहाँ पे हमारे मम्मी लोग भी टहलने आ गए हमारे साथ साथ। तो चलो मैं देखता हूँ, ढूंढता हूँ उसको, क्योंकि मुझे तो नहीं मिल रहे। इस लंबे लंबे चीज़ को क्या बोलते हैं, मकई जैसा लग रहा है। और यहाँ पे देख सकते हो कि ड्रैगन फ्रूट भी लगाया हुआ है। देखने में तो कैक्टस के ट्री लग रहे हैं, लेकिन नहीं, ये स्टार फ्रूट है। नहीं, स्टार नहीं, ड्रैगन फ्रूट है। हाँ जी, मैं भूल जाता हूँ, इतने सारे फ्रूट्स होते हैं कि क्या ही बताए। तो जब बड़े हो जाएंगे तब फिर से इस फार्म में आएंगे विजिट करने। तो चलो पहले बर्ड्स को ढूंढते हैं अभी। तो मुझे फाइनली बर्ड्स मिल गए, लेकिन इस बर्ड की जाति को क्या बोलते, देखने में तो डक की तरह लग रहे है। चलो ना डक ही बुला लेते। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना हार्डवर्क करके इन लोगों ने ये सब बनाया हुआ है। तो अभी हमें दूसरे पार्ट में फार्म के, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे राइट में आता है एक बड़ा सा गार्डन, मेरे ठीक सामने एक घर बन रहा है जो अभी इसकी काम चल रहे है अंदर के, तो अंदर जाने नहीं मिल रहा है। और फिर मेरे लेफ्ट में आता है ये छाँव के लिए कुछ बनाया हुआ, क्योंकि यहाँ पे बारिश या फिर कुछ होता है तो यहाँ पे सब लोग बैठ के बातें करते, खाना खाते, खाना बनाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक छोटा सा फिर से गार्डन आ चुका है, तो अपने बच्चे यहाँ पे खेलते हैं और बड़े लोग वहाँ पे बातें करते रहते हैं। तो यहाँ पे स्लाइडर डाला हुआ है, झूला है, आम के पेड़ भी लगाए हुए हैं, अगर छाँव चाहिए, धूप चाहिए तो कहीं पर भी बैठ जाओ, धूप तो है ही। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ट्री भी लगाए हुए हैं जो नेचर एयर देते, और भाई हवा भी इतनी फ्रेश आ रही है ना, और ठंडी आ रही है। और वैसे भी अभी केन्या में गर्मी के दिन चल रहे हैं, तो गाइज इधर आके तो थोड़ा मज़ा ही आ गया। फिर हम सब ने थोड़ा नाश्ता किया एंट्रेंस डोर के बस पास बैठ के, तो एंट्रेंस डोर के पास ही बैठने का जुगाड़ इन लोगों ने किया हुआ है, तो देख सकते हो। तो इसके बाद हम सब ने शुगर केन खाए, फिर हमने शुगर केन का जूस भी निकाला फ्रेश फ्रेश। तो हमारे अंकल लोग बड़े हार्डवर्क करते हुए लींबू बींबू सब कुछ अंदर डाल के शुगर केन का जूस निकाल रहे, फिर हम ठंडा ठंडा शुगर केन का जूस पिए गए। फिर हम सब ने नाश्ता कंप्लीट किया और फिर हम आ गए वही वाले पीछे वाले एरिया में जो मैंने आपको दिखाया। तो वहाँ पे हमारे क्यूटी की फैमिली झूला झूल रही थी, उसके बाद हमारे मामा ने क्यूटी को स्लाइड भी करवाया। तो देख सकते हो कि बच्चों के साथ खेलते खेलते हम भी कब बच्चे बन जाते हैं वो पता नहीं चलता है। उसके बाद हम सब ने बहुत सारी मस्ती की, बहुत सारी। उसके बाद 4 बज गए थे, तो सबको थोड़ी फिर से खाने का मन कर रहा था, मतलब हमको मकाई देख के ऐसा मुंह में पानी आ रहा था कि चलो ना इसको निकाल के खाए। तो फिर हमने चूल्हा रेडी किया, चूल्हे पे इन सारी मकाई को छील के फिर सेकने का होता है, फिर मसाला डाल के खाने का होता है। तो इन सब प्रिपरेशन में ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन हमारा चूल्हा रेडी हो चुका है फाइनली। तो चलो इस चूल्हे पे हम अपनी मकई को डालते हैं, फिर इसको ऐसे करके सेकेंगे राउंड 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 करके। तो हाय गाइस, तो सब लोग हाय कर दो यार। तो सब ने हाय किया, उसके बाद हम सब ने यहाँ पे अपनी मकई को सेका, फिर जब लाइन में टाइम आएगा तब खाने मिलेगी। तो बच्चे पीछे खेल रहे और बड़े लोग यहाँ पे मकई सेक रहे हैं फिलहाल, तो क्योंकि हवा लगती है तो चूल्हा बुझ जाता है। उसके बाद सबसे पहले हमारे क्यूटी को मकाई मिल गई। मेरे को कब मिलेगी भाई, मुझे भी चाहिए। तो क्यूटी के बाद मुझे नहीं पता था कि मेरा भी नंबर आ जाएगा, तो मेरी भी मकाई आ चुकी है। तो इस पे मिर्च मसाला भी बहुत अच्छा सा तिखा हुआ लगाया है, तो खाने में बहुत मज़ा आ रहा है। फिर हमारे क्यूटी को आम चाहिए था, देख सकते हो
आम निकालने में कितनी मेहनत कर रहा है। हे भाई वो कच्चा है अभी। फिर यहाँ पे देख सकते हो सब लोग ऐसे बैठ के यहाँ पे बातें करते। फिर शाम का डिनर भी यहीं पे है, मतलब शाम का नहीं रात का डिनर। तो डिनर बन रहा था, डिनर में एक खिचड़ी, फिर क्या है बहुत कुछ है, कढ़ी चावल बहुत कुछ है। तो यहाँ पे सब लोग अब डिनर ले रहे। मैंने मकई खा लिए तो मुझे डिनर में कुछ ज़्यादा नहीं, बस इतना ही खाना था। लेकिन ये सच बताओ तो मेरी डिनर की प्लेट नहीं है, मेरे डैड की है, क्योंकि मैंने तो खाया ही नहीं। मकई खा के पेट फूल हो गया था, तो डैडी के साथ डिनर किया, फिर निकल चुके घर 7 बजे। तो 7 बजे भी अभी गर्मी के दिन चल रहे तो इतनी अंधेरा अंधेरा नहीं है, थोड़ा ऐसा लग रहा है कि सुबह होने वाली है, लेकिन नहीं शाम हो चुकी है। तो चलो मिलता हूँ घर जाके आप सबको। अभी फाइनली 8:30 बज चुके हैं और अब जाके घर आए हैं। तो मैं तो पूरा थक गया हूँ, तो आगे कोई प्लान नहीं है घर में, क्योंकि अब से बिना प्लान के व्लॉग चलेगा। तो फिलहाल कुछ भी नहीं है प्लान। तो आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो चलो मिलते हैं नए व्लॉग में। टाटा बाय बाय, सी यू।